नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। गणेश चतुर्थी को लेकर पूजा पंडालों में स्थापित हुई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता रहा शहर। नए ट्रैफिक नियम लागू होने से वाहन चालकों में मचा हड़कंप, जिले भर में जगह जगह ली गई वाहनों की तलाशी। नशे में धुत अपराधी ने वृद्ध हलवाई की खंती घोपकर की हत्या, आरोपी फरार, मुजादपुर थाना क्षेत्र का है मामला। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की कवायद तेज, पूर्व कमेटी हुई भंग, छात्र संगठनों में हलचल तेज। और कटाव से बेघर हुए पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग। और अब खबर विस्तार से। गणेश चतुर्थी को लेकर सोमवार को भागलपुर के तमाम गणपति पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। शहर के भीकनपुर, मिर्जान हाट, सिकंदरपुर, अलीगंज, खंजरपुर, तिलका मांझी समेत दर्जनों जगहों पर पूरे धूमधाम के साथ भक्तों ने सिद्धि विनायक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और प्रथम पूजनीय गणेश से सुख समृद्धि की कामना की। शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रतिमा स्थापित कर जहाँ पूजा की गई, वहीं कई जगह पर पर्यावरण के हित को देखते हुए बनाई गई इको फ्रेंड प्रतिमा भी लोगों को खूब लुभा रही है। पूजा पंडालों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जबकि श्रद्धालुओं ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश की पूजा की और गणपति बप्पा मोरिया के नारे से पूरा पूजा पंडाल गूंजता रहा। कई जगहों पर भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी भी की गई। गंगा मैया में जब तक की पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, सोमवार की शाम सुहागिनों ने कुछ इसी तरह से अखंड सौभाग्य की कामना के साथ तीज व्रत किया। दिन भर का निर्जला उपवास के बाद सुहागिन महिलाओं ने देर शाम पूजा की। पूरे विधि विधान के साथ व्रती महिलाएं घरों व मंदिरों में जाकर पूजा करती दिखी। वहीं भादो मास की चतुर्थी तिथि के दिन की जाने वाली चौथी चंद्रमा की पूजा को लेकर सोमवार को व्रतियों ने उपवास रखा और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। इस दौरान दही, फल एवं पकवान के साथ पूजा कर व्रतियों ने सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान व्रतियों एवं तमाम श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से चंद्र दर्शन कर पूजन किया। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए रविवार से देश भर में कड़ा कानून लागू हो गया है। जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है ताकि लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। वहीं भागलपुर में भी इसका असर दिखने लगा है। सोमवार को शहर के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई। बिना हेलमेट और बिना कागजात के वाहन चलाने वालों से पुलिस ने पूछताछ की और नए ट्रैफिक नियम की जानकारी दी। इस दौरान कई बाइक चालक पुलिस जवानों को चकमा देकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया और यातायात नियम का पाठ पढ़ाया। विश्वविद्यालय थाना के समीप SI अरुण कुमार सिंह ने बाइक चालकों की तलाशी ली, जबकि पर्वती के रजक काली मंदिर के समीप ASI MK सिंह और नीतीश कुमार ने चार पहिया वाहनों की तलाशी ली। वहीं पुलिस के सख्त रवैये से पूरे शहर में सोमवार को बगैर कागजात और हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों में हड़कंप मचा रहा। भागलपुर के मुजादपुर थाना क्षेत्र मिर्जान हाट रोड स्थित तोतासा लेन में रविवार की देर रात घर से खींचकर हलवाई सहदेव साह की बदमाश ने खंती घोपकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश सौरभ कुमार उर्फ बउआ फरार हो गया। पूरी घटना गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के दौरान स्थानीय लोग भी मूक दर्शक बने रहे, लेकिन किसी ने हलवाई को बचाने की कोशिश नहीं की। मृतक हलवाई सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का रहने वाला है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी DSP राजवंत सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि मृतक हलवाई सहदेव साह तोतासा लेन स्थित निर्मला देवी के मकान में किराए पर रहता था। रविवार की रात निर्मला देवी का नाती सौरभ उर्फ बउआ नशे की हालत में घर पहुंचा, जिसके बाद मृतक हलवाई से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद बउआ ने घर में रखे खंती से हलवाई पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए मृतक हलवाई घर से बाहर निकल गया, जिसके बाद बउआ ने खंती घोपकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान घटना को देखने स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। फिलहाल पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। DSP राजवंत सिंह ने कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। नाम के 60 वर्षीय वृद्ध थे जो यहाँ किराए के मकान में रहते थे, जिनके मकान में किराए में थे वो नानी करके उसका नाम है, पति मर चुके हैं स्वर्गीय रामचंद्र साह, उनका निर्मला देवी, उनका पोता पहले भी जेल जा चुका है, क्रिमिनल है, बउआ नाती निकनेम है नाती, तो उसी ने हत्या किया, ये स्पष्ट है। जब ये परिजन इनके आ जाएंगे
तो बयान लेकर के आगे का औपचारिकता पूरा। स्नातक सत्र शुरू होते एक बार फिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में चुनावी बिगुल बज गया है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की कवायद तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ की वर्तमान कमेटी को भंग किए जाने के बाद TMBU में छात्र नेताओं की हलचल बढ़ गई है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी चुनाव कराने के मूड में दिख रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि करीब 6 माह पुराने छात्र संघ को भंग कर दिया गया है और नए छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। DSW ने कहा कि पहले चरण का चुनाव इसी माह करा लिया जाएगा और इसमें कॉलेज स्तर पर चुनाव होगा। डॉक्टर योगेंद्र ने बताया कि जल्द ही चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। और इस महीने चुनाव की पहली प्रक्रिया है, यानी कॉलेज और डिपार्टमेंट का स्तर पर जो चुनाव होता है वह हो जाना चाहिए। कुलपति 5 तक छुट्टी में, जब वो आते हैं तो उनसे आदेश लेकर के ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजभवन में भी जो 9 तारीख को बैठक है कुलपतियों की, उसमें छात्र संघ चुनाव भी एक मामला है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाने की पूरी संभावना। भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं बिहार राज्य किसान सभा की ओर से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बाढ़ एवं सुखाड़ से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग करते सुखाड़ पीड़ित किसानों का ऋण माफ करने, साथ निश्चय योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराने, कटाव पीड़ितों एवं भूमिहीनों के पुनर्वास की व्यवस्था करने, पर्चाधारियों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाने की मांग करते हुए सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भाकपा के जिला सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि गरीब किसान, मजदूर एवं बाढ़ सुखाड़ पीड़ित लगातार परेशान है और उन्हें सरकार द्वारा आवश्यक सहायता एवं सुविधा नहीं मिल पा रही है। इंदिरा आवास एवं सात निश्चय योजना के साथ विभिन्न योजनाओं में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के साथ शिक्षा के बाजारीकरण एवं निजीकरण पर रोक लगाने और किसानों एवं मजदूरों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा DM को 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर निरंजन चौधरी, देव कुमार यादव, सदानंद सिंह, संजीव सुमन समेत काफी संख्या में भाकपा एवं किसान सभा के कार्यकर्ता मौजूद थे। और बिहार राज्य किसान सभा भागलपुर के नेतृत्व में बाढ़, सुखाड़ और जनता के अन्य समस्याओं को लेकर हम जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बाढ़ के कारण भी फसल नष्ट हुआ, सुखाड़ के कारण भागलपुर जिले के बहुत सारे इलाके में रुपाई नहीं हो सकी धान की। किसान त्राहिमाम हैं, उनको डीजल अनुदान समय पर नहीं मिला और सिंचाई की दूसरी व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पाई। हम बाढ़ और सुखाड़ से हुए फसल के मुआवजे के लिए और किसानों को जिनका फसल नष्ट हुआ उनके मुआवजे के लिए आज हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में सोमवार को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों को गोपालपुर पीओ साहब मास्टर ट्रेनर कौशल कुमार राय ने मनरेगा योजना के तहत प्रखंडों में होने वाले सभी कार्यों की सूचना गूगल पर अपलोड करने की जानकारी दी। किस प्रखंड में क्या कार्य होंगे कि इसकी सूचना मैप के माध्यम से लोगों को मिले और मनरेगा के तहत ग्राम सभा में पारित सभी योजना के कार्यों की जानकारी लोगों को मिले, इसके लिए कंप्यूटर पर अपलोड करने की ट्रेनिंग दी गई। गौरतलब हो कि सरकार द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाने के कारण सरकार द्वारा जीआईएस की ट्रेनिंग देने का निर्देश किया गया। बाका कटोरिया मुख्य मार्ग पर चेक पोस्ट के समय पुलिस ने तेज रफ्तार मवेशियों से भरी ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस को देखते ही रफ्तार तेज कर दिया, जिसके कारण चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक पेड़ों को तोड़ते हुए सड़क किनारे खाई में जा घुसा। इस घटना में 5 मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटोरिया पुलिस ने जीवित मवेशियों को ग्रामीणों को सौंप दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मवेशी तस्कर सीमावर्ती राज्य झारखंड से मवेशियों की तस्करी कर बिहार ला रहा था। हालांकि घटना के बाद ट्रक में सवार सभी तस्कर मौके से फरार हो गया। चांदन थानाध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि मवेशी तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद चेकपोस्ट पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। थानाध्यक्ष ने कहा कि तस्करों की पहचान की जा रही है। 4 को मारा है, समझे ना, सब जिंदा है तो मैंने सरकारी धर्मशाला में रख दिया जाए। नौगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बोरे में बंद 63 बोतल शराब को बरामद किया है। दरअसल पकड़ा गांव के दोनिया टोला स्थित पंकज सिंह के बासा पर पुलिस को शराब छिपाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद नौगछिया पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम की मदद से छापेमारी कर बासा के अंदर जमीन में गड़ा हुआ बोरा बरामद किया। तलाशी के दौरान बोरे से 63 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी पंकज सिंह की तलाश में छापेमारी कर रही है। पंकज सिंह पिता कैलाश का जो बासा है, बासा के बाहर गड़ा हुआ था और बासा के अंदर भी जमीन के अंदर गाड़ कर रखा हुआ। दो जगहों से कुल 63 बोतल RS का विदेशी शराब प्रति बोतल 750 ml का है बरामद हुआ है। और ये 63 बोतल। भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका सभिया फैज को शिक्षक दिवस पर राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया। सभिया फैज को 5 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सभिया फैज ने विगत वर्षों में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्कृष्ट कार्य किए। राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने जा रही प्रधानाध्यापिका ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और उसे अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। पुरस्कार मिलना ना मिलना एक अलग बात है, दूसरी चीज़ है कि आज मुझे पुरस्कार मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपना कर्तव्य निभाते जाएं, फल जरूर मिलेगा। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक वर्ष पूरे हो गए और इस दौरान करोड़ों लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाया है, जिससे आम लोगों के साथ डाक विभाग को भी एक नई दिशा मिली है। IPPB की पहली वर्षगांठ को लेकर सोमवार को भागलपुर के प्रधान डाकघर परिसर स्थित IPPB में डाक अधीक्षक AK सिंह ने केक काटा और बैंक प्रबंधन को शुभकामना दी। डाक अधीक्षक ने कहा कि सरकार के साथ विभाग के कर्मियों की मेहनत एवं ग्राहकों के भरोसे के कारण पहली वर्षगांठ पर भागलपुर में IPPB की स्थिति मजबूत हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, बाढ़ सुखाड़ अनुदान एवं छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति या सहायता का लाभ पोस्ट पेमेंट बैंक से मिल सकेगा। इस मौके पर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर सुनील कुमार सुमन, पिंटू कुमार, नवनीत कुमार, प्रमित तिवारी, संजय कुमार समेत कई बैंक एवं डाककर्मी मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राजद नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न जगहों पर राजद सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान नाथनगर के दोगच्छी, मिर्जापुर, पुरानी सराय, रामचंद्रपुर समेत कई इलाकों में चलाया गया, जहां काफी संख्या में युवाओं के साथ महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। पप्पू यादव समेत कई राजद कार्यकर्ताओं ने शिविर के साथ घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जुड़ने और बिहार के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। पप्पू यादव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सभी वर्ग के लोगों का विकास होगा, इसके लिए पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। राजद पार्टी का लालू जी के नेतृत्व और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है। सभी वर्ग को, पूरे नाथनगर विधानसभा में सभी वर्ग को जोड़ने का काम है। इस बार
2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आरजेडी का सरकार होगा, गरीब गुरबा का सरकार बनेगा, सभी वर्ग को सम्मान मिलेगा। और सभी लोगों का मांग है कि जिस तरह अफसरशाह हॉबी हो गया है पूरे बिहार में, कोई भी काम सिर्फ जहां भी सिर्फ पैसा ही लग रहा है, हम सब मांग करते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में आरजेडी का सरकार हो और पूरे विधानसभा में हमारा नाथनगर 14 पंचायत और जगदेशपुर सबौर पूरे नाथनगर विधानसभा में सभी वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद है। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र विश्वकर्मा नगर गांव में अज्ञात चोरों ने घर में सो रहे सभी सदस्यों को कमरे में बंद कर लगभग 6 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर फरार हो गया। सुबह पीड़ित कृष्णदेव शर्मा ने खुद को कमरे के अंदर बंद पाया, जिसके बाद वह दूसरे दरवाजे से बाहर आया। इस दौरान घर में बिखरे पड़े सामान को देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने घटना की सूचना कटोरिया पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीपीओ मदन कुमार आनंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। एसडीपीओ ने पूरे घर की बारीकी से जांच की और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कही। चोर आया और जैसे हम लोग सब सोए हुए थे बाहर से, जैसे उन्होंने लॉक कर दिया सबको और घर से हमारा सारा सामान जो था, जेवर थारी बर्तन, मैंने करीबन लगभग 6 लाख रुपया लगभग सामान लेकर के। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। हेल्थ कैंप में मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया के डॉक्टरों द्वारा शिक्षक और छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी, डॉक्टर संतोष अग्रवाल और डॉक्टर अब्दुल करीम ने लोगों के शुगर, ब्लड प्रेशर, दंत और स्किन की जाँच करते हुए उचित परामर्श दिया। वहीं डॉक्टरों की टीम ने प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार एवं अन्य शिक्षकों की ECG मशीन से हार्ट की जाँच की। चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर वाले शिक्षकों को नियमित दवा खाने और हर 3 माह के भीतर BP चेकअप कराने की बात कही। इस दौरान कई प्रकार के रक्त की जांच भी की गई। स्टार हेल्थ के ब्रांच मैनेजर पुष्कर कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी संस्था सामाजिक सरोकार के तहत इस तरह का शिविर लगाती रहती है। मौके पर सीनियर सेल्स मैनेजर संतोष कुमार घोष, राजीव सरन, शशांक कुमार, डॉक्टर राम सेवक सिंह, डॉक्टर आशीष मिश्रा समेत कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। गणेश चतुर्थी को लेकर पूजा पंडालों में स्थापित हुई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता रहा शहर। नए ट्रैफिक नियम लागू होने से वाहन चालकों में मचा हड़कंप, जिले भर में जगह जगह ली गई वाहनों की तलाशी। नशे में धुत अपराधी ने वृद्ध हलवाई की खंती घोपकर की हत्या, आरोपी फरार, मुजैदपुर थाना क्षेत्र का है मामला। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की कवायद तेज, पूर्व कमेटी हुई भंग, छात्र संगठनों में हलचल तेज। और कटाव से बेघर हुए पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।